Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is energy of photons. Photon हमारे पास इसकी जितनी भी energy होती है, जब वो किसी भी metallic surface को strike करता है, तो उसमें वो अपनी energy को transfer करता है, और ये effect हमें नज़र आता है photoelectric effect में. इसके जो रिवर्स प्रोसेस है वो है एक्सरेज, कि वहाँ से आपकी पार्टिकल्स एक्ट करते हैं किसी भी मेटेलिक सरफेस के साथ और अल्टीमेटली आपको रेज या आपको फोटॉन्स मिलते हैं. ठीक है, तो वी कैन कन्वर्ट फोटॉन्स इनटू पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स इनटू फोटॉन्स. और ये प्रोसेस, इससे हमें आइडिया ये होता है कि फोटॉन्स हैव एनर्जी दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर यूजफुल पर्पज़. तो आज हम देखते हैं कि फोटॉन्स की एनर्जी किस तरह वेरी करती है, किन चीज़ों पर उसकी एनर्जी डिपेंड करती है. एनर्जी ऑफ फोटोन. सो व्हाट आर द फोटोन्स? पार्टिकल्स ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, दैट हैविंग जीरो रेस्ट मास दैट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड कैरिंग सम मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी एंड दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड that can also be created according to law of conservation of energy. So photon simply kya hai, they are the particles of light or electromagnetic waves, theek hai, aur jinka zero rest mass hota hai. Zero rest mass mean ke unka agar aap particle se particle ko dekhe, aapke paas koi aisa particle nahi jiska zero rest mass na ho, unka kuch na kuch zero rest mass hoga. Lekin particles ka jo zero rest mass hai, ये जो रेस्ट मैस है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है. अगर पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ मूव ना कर रहा हो, तो उस वक्त आप उसका वन फोटोन का आप अगर मैस देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू जीरो होगा. सो इट हैज़ जीरो रेस्ट मैस एंड इट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट. फोटोन कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट हैज़ मोमेंटम एंड एज वेल एज इट हैज़ एनर्जी. अब इसका जो मोमेंटम है, ये जो इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके अपने मोमेंटम की वजह से ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है एंड इट कैन ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू मेटल और एनी एटम और इट कैन अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम पार्टिकल्स. ठीक है, सो आपकी ये फोटॉन्स बेसिकली आपकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट पार्टिकल्स होते हैं. व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अकर्स, फोटॉन्स आर एमिटेड. जब भी आपके किसी भी मेटल के या किसी भी एटम के अंदर एक शेल से दूसरे शेल या एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस वक्त आपके पास फोटॉन्स जनरेट होते हैं. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ न्यूक्लियस एंड एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम हियर. इफ वी प्रोवाइड सम एनर्जी टू दिस एटम देन इट विल बी एक्साइटेड एंड इन एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स विल move upward and after some time when the electron will release its energy then it will come back to its original position and in this way it will release photon or it will release a ray and that is the photon which is we are discussed. अब ये जो फोटोन है, इसकी भी बहुत सी कैटेगरीज हैं. ये किस रीजन में फॉल करेगा, आइदर इट विल बी गैमा रेज, अल्फा रेज और इसमें जो आपकी एक्स रेज हैं, ठीक है, वो सारी हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी. तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे. एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू पी सी. पी इज़ द मोमेंटम, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट और इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एच इनटू एफ, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम. मोमेंटम कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल टू एच एफ ओवर सी और वी कैन रिप्लेस लेमडा. सो एच ओवर लेमडा इज ऑल्सो ओवर मोमेंटम. सो यहाँ से आप देख सकते हैं मोमेंटम एंड वेवलेंथ आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल. इफ अ फोटोन हैज लार्ज मोमेंटम इट्स वेवलेंथ वुड डेफिनेटली बी स्मॉल एंड इफ इट्स मोमेंटम इज स्मॉल इट्स वेवलेंथ वुड बी हायर. Then its value is 6.63 multiplied by 10 की पावर माइनस 34 जाउल सेकेंड. ठीक है, अब हम फर्दर इसकी Why students love talking? Number one,
अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर टू, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर थ्री, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर फोर, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर फाइव, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर सिक्स, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। Not only that, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर सेवन, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर एट, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर नाइन, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर टेन, अगर आप कोई फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 hours, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रेपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 hours। इन एडिशन टू दिस, टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रेपरेशन करके यू विल सेव ट्रैवलिंग कॉस्ट, हॉस्टल एक्सपेंसेस, बुक्स कॉस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेंटी ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज्यादा टाइम। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? विजिट topgrade.pk एंड साइन अप फ्री टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST एंड GK एंट्रेंस एग्जाम्स। रीजन देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितने रीजन होते हैं। अभी जो हमने देखा कि जो फोटोन एमिट हुआ है आपके किसी भी एटम में से, तो वो आपके किसी भी रीजन में फॉल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी। तो अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें तो हमारे पास टोटल जो रीजन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई एनर्जी गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड वी हैव रेडियो वेव्स। और यहाँ पे हमारे पास आप देखें कि आपकी जो वेव्स नज़र आ रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और उधर से अगर आप लेफ्ट पे आएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और अभी हमने देखा है फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो इट मीन्स यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन कम है, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। सो गैमा हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो वेव्स हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एंड सो इट हैज मिनिमम एनर्जी एंड गैमा हैज मैक्सिमम एनर्जी एंड ऑल आर इंटरमीडिएट बिटवीन दैम। और अब हमने ये देखना है कि इनकी अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है तो इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम है सो यहाँ पे आपकी वेवलेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, डेट इज 10^2, 10^1, 10^-1। सो जैसे जैसे आप इस रीजन में अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो यहाँ पे आपकी जो वेवलेंथ वो क्या होगी, मिनिमम होगी। सो गैमा रेज हैव मिनिमम वेवलेंथ 10^-13 एंड रेडियो वेव्स हैव मैक्सिमम वेवलेंथ 10^2। इसी तरह आप देखते हैं कि अगर हम एक्स रेज को देखें तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो डेट इज़ इन बिटवीन 10^-11 एंड 10^-10। ठीक है, तो ये इस तरह आपकी वेरिएशन हो रही होती है आपके वेवलेंथ में और आपके फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम विजिबल रीजन को देखें तो हम विजिबल रीजन में टोटल आपके पास जो वेवलेंथ्स होती हैं, फर्दर आपके पास उसके अंदर 7 वेवलेंथ्स होती हैं, और उसमें करस्पॉन्डिंग टू रेड वी हैव 700 nm वेवलेंथ एंड करस्पॉन्डिंग टू ग्रीन 600 एंड ब्लू इज 500। सो वेवलेंथ, दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। ठीक है, सो हर कलर के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर आपके पास वेवलेंथ होती है, और जैसे आप वेवलेंथ चेंज कर देंगे तो असल में आपके फोटोन का कलर चेंज हो जाएगा। सो व्हाट इज द प्लैंक्स अजम्पशंस? प्लैंक्स वाज अ साइंटिस्ट
who made some assumptions on the properties and behavior of photons. So he said emission and absorption of radiation is not continuous. कि आपकी कोई भी emission हो रही है photon की तो वो continuous नहीं है, बल्कि वो quantized है. ऐसा नहीं है कि हर वक्त और हर तादाद में वहाँ से photon निकल रहे हैं, बल्कि उसकी ख़ास proper value होती है और वो quantized होते हैं. quantized का मतलब ये है कि जैसे हम जानते हैं कि charge of an on any charge particle would be integral multiple of E, charge on electron. तो बिल्कुल इसी तरह प्लांक्स ने ये कहा था कि आपकी जो एनर्जी निकलती है वो क्वांटाइज्ड होगी, वो ऐसे नहीं होगा कि कंटिन्यूस होगी इसकी जो मर्जी वैल्यू होगी, बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स में निकलती है. और अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो इसका मतलब है ज़्यादा पैकेट्स आ रहे हैं, कम एनर्जी होगी तो कम पैकेट्स होंगे. ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. क्वांटा मीन्स फोटोन एंड अ पैकेट ऑफ एनर्जी. सो क्वांटा इज द पैकेट ऑफ एनर्जी एंड इट रेडिएट्स और इट अब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा. एटम्स ऑफ ब्लैक बॉडी बिहेव एज टाइनी ऑसिलेटर्स हैविंग सर्टन वैल्यू ऑफ एनर्जी. ब्लैक बॉडी जो है उसकी जो ऑसिलेशन होती है उसमें बहुत स्मॉल ऑसिलेशन होती हैं, उसमें उसकी वजह से अगर आप उसमें ऑसिलेशन करें तो उसकी एक प्रॉपर सर्टन उसकी एनर्जी की एक वैल्यू होती है. एंड एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू एफ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एंड एच इज द प्लांक्स कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.63 × 10⁻³. और यहाँ पर आप अगर देखें, आप वेरिएशन देखें, अगर आप इंटेंसिटी रेडिएशन इंटेंसिटी इज़ ऑन वाई एक्सिस एंड वेव लेंथ इज़ ऑन एक्स एक्सिस, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपके आप रीजन भी आप देख रहे हैं, दिस इज़ विजिबल रीजन. और अगर आप ये देखें अगर आपके वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो उसके साथ साथ आपके विजिबल रीजन की इंटेंसिटी में इस तरह वो वेरिएशन आ रही है. ठीक है, उसको आप देख सकते हैं. What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade app की help से आप किसी भी physical academy के comparison में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में. Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Wahid from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader, Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. So questions ki practice karte hain. Light appears to travel in straight line. Since it is not absorbed by the atmosphere, it is reflected by the atmosphere. Its wavelength is very small or its velocity is very large. हम जानते हैं कि आपका जो visible region है उसकी जो frequency वो considerably high है, तो उसकी वजह से उसकी जो wavelength है वो बहुत small है. अब अगर इसकी wavelength small है तो इससे क्या होगा, ये straight line में pass करेगी, इसके ऊपर medium का इतना effect नहीं होगा. medium इसको disturb करेगा लेकिन वो कोई considerable amount में disturb नहीं करेगा, because it has very small wavelength. so it travels in straight line due to its small wavelength. Charlie is the best option. photons are in the group of leptons, quarks, hadrons or none of these. आप जानते हैं कि photons according to Planck's assumption are in the form of packets and that packets are known as quanta. so there is no any option here. leptons, quarks and hadrons are the basic building blocks.
these are not related to photons, so none of this. We will choose none of this. The maximum frequency is of blue light, UV rays, gamma rays, infrared rays. अभी हम region हमने देखा है और हम वहाँ से हमने देखा था कि जो maximum energy होती है वो gamma rays की होती है. Gamma has maximum energy. और क्योंकि इनकी energy maximum है, so definitely इनकी frequency भी maximum होगी. So among blue, UV, gamma and infrared rays, gamma rays have maximum energy. So B, Charlie is the right answer. The energy of photon A is twice as that of B. The ratio of their momentum will be half, 4 times 2 and 0.707. आपको एक रे A दी गई और दूसरी जो आपको रे दी गई वो है B. तो उन दोनों की अगर आप एनर्जी देखें तो आपको A की जो एनर्जी है वो डबल दी गई है. एनर्जी ऑफ फोटोन A इज ट्वाइस डेट ऑफ फोटोन B. एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम. आप जानते हैं कि मोमेंटम और जो एनर्जी का रिलेशन है वो ये होता है कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू c. p इज द मोमेंटम, c इज द स्पीड ऑफ लाइट. इसी तरह अगर हम इनकी एनर्जी का रेशियो लें तो आपके पास आएगा ई ए डिवाइडेड बाय ई बी वुड बी इक्वल टू 2. ई बी को आप इधर डिवाइड करेंगे तो ई ए डिवाइडेड बाय ई बी इज इक्वल टू 2. अब ई ए की जगह वैल्यूज को पुट कर दें, E is equal to PC, so this would be PA into C divided by PB into C, that is also equal to 2. C is cancelled with C, so ratio of the momentum of A and B photon is also equal to 2, so Charlie is our correct option. मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDGET, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. In the absorption process, the photon is dispersed by transferring its energy to the electron, creation by receiving energy from the electron by orbital shift, accelerates towards the lower energy orbit, or delta option is emitted from the target metal with lower energy. आपके पास जब absorption process होता है तो उसमें आपका जो photon है वो appear हो जाता है, disappear हो जाता है. और वो क्यों disappear होता है? क्योंकि वो अपनी जितनी भी energy है वो transfer कर देता है electron को. आपकी जब आप eject करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक में तो उसमें फोटोन डिसअपेयर होने की रीज़न ये होती है कि वो आपके अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को कर देता है. अगर वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करता, दिस विल बी द वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बट देर इज़ नो एनी वायोलेशन इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो फोटोन विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन एंड विल डिसअपेयर. अल्फा इज़ द राइट आंसर. द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, if we have to calculate the rest mass energy of electron, we will make use of Einstein, famous Einstein energy mass equation. And Einstein energy mass equation is mc square. और यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं rest mass energy का, तो rest mass energy में जो हम mass use करेंगे वो भी कौन सा mass use करेंगे? E rest mass would be equal to m naught c square. m naught is the mass of an electron at rest and c is the value of speed of light. So by putting the value of c and m naught, we will easily find the value of rest mass energy, and that is 0.51 mega electron volt. So beta is our correct option. Photon emitted in the direction of incident photon is known as spontaneous emission, induced emission, spontaneous absorption or induced absorption. जब भी कोई फोटोन एमिट होता है
फोटोन एमिटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन. एक फोटोन जो इंसिडेंट करता है किसी भी मेटेलिक स्फीयर के ऊपर और दूसरा फोटोन जो वहाँ से एमिट होता है, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हों तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड एमिशन, क्योंकि एक फोटोन ने, जो एक फोटोन है वो दूसरे फोटोन के निकलने का मौजब बना है, उसकी वो कॉज बना है. सो इट इज़ इंड्यूस्ड एमिशन. बीटा इज़ द बेस्ट आंसर. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304-111-5060.